हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में वर्ल्ड कप मैच नंबर 14 है। 16 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा, 2 बजे से स्टार्ट होगा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जो है एक काना लखनऊ के वेन्यू पे मैच होने वाला है। यहाँ आपको जो है पिच रिपोर्ट की डीपली इंफॉर्मेशन मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया विन करेगी या श्रीलंका विन करेगी ये भी आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपको प्लेयर के स्टैट्स देखने के लिए मिलेंगे, ड्रीम इलेवन की टीम बनाएंगे। तो भाई वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो काफी अच्छी बनी है, तो वीडियो को यार पूरा देखो क्योंकि स्टैट्स काफी भर भर के हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ की जो पिच है ना थोड़ी सी स्लोअर साइड जो है मानी जाती है, लेकिन फिर भी हमें लास्ट मैच में जो है बैट जो है अच्छा देखने के लिए यहाँ पर मिला था। फर्स्ट इनिंग में जो है बैट अच्छा देखने के लिए मिला था। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर को लगभग इक्वल विकेट देखने के लिए मिलता है। हल्का सा स्लाइटली जो है रेनी वेदर रहने वाला है, लेकिन बारिश नहीं आएगी, ये चीज ध्यान में मत रखिएगा। फास्ट बॉलर्स को लास्ट मैच में जो है थोड़ा सा सपोर्ट मिला। 235 रन एवरेज स्कोर है इस वेन्यू पे। ज्यादा अगर आप देखोगे तो मैचेस नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है 5 मैच यहाँ पर हुए हैं ओडीआई के। 210 रन एवरेज स्कोर है। 3 बार बैट फर्स्ट करने वाली टीम ने विन किया है, 2 बार बैट सेकंड करने वाली टीम ने विन किया हुआ है। 200 से नीचे का स्कोर 2 बार बना है, 200 से 250 के बीच में 2 बार और 1 बार 300 से ऊपर का स्कोर बना है। वेन्यू पर 311 रन हाईएस्ट है और 149 रन यहाँ पर लोवेस्ट है। वेन्यू पर जो लास्ट मैच खेला गया था ना, उस सॉरी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेला गया था जो कि इसी सीरीज का मैच था, और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर पहले भी खेल चुकी है। यहाँ पर मार्कस स्टोनिस और भी बहुत सारे प्लेयर्स ने काफी पहले जो है मैचेस इस वेन्यू पे खेले हैं आईपीएल में। तो यहाँ पर जो टीम है ना, तो वो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो अच्छा यहाँ पर अनुभव है उनको, और ये मैच जो है यहाँ पर निकाल ली जाएगी। वैसे लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया अपना इसी वेन्यू पे हार के आ रही है। लास्ट मैच में क्या हुआ था, फास्ट बॉलर को अगर आप देखोगे 10 विकेट मिला था, 7 विकेट स्पिनर को मिला था। फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट फास्ट बॉलर को और यहां पर सेकंड इनिंग में 6 विकेट मिले थे। स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट और सेकंड इनिंग में 4 विकेट मिले थे। उससे पहले जो एक मैच खेला गया था वो भी आप देख लो, इसमें अगर आप देखोगे 8 विकेट फास्ट बॉलर को, 4 विकेट स्पिनर को, तो थोड़ा सा ज्यादा यहां पर जो है फास्ट बॉलर को विकेट जो है मिलता है। ये लास्ट के 2 मैच जो इस वेन्यू पे ओडीआई खेले गए हैं उसका जो है ब्रीफ स्कोर कार्ड है। अब हेड टू हेड की रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में टोटल 103 मैचेस हुए हैं। 63 बार अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने विन किया है और 36 बार यहां पर जो है श्रीलंका की टीम ने विन किया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 90% जो मैचेस है ना वो भाई जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है 60% मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है विन किया है। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है, स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे श्रीलंका की भी टीम को आपको हल्के में नहीं लेना है। इनके कुछ अच्छे प्लेयर्स रहेंगे जो कि मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लास्ट मैच इनका जो हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम आप अगर देखोगे तो पूरी 160 रन पे श्रीलंका की टीम को ऑल आउट कर दिया था और 4 विकेट से लेकिन जो है मैच विन किया था। तो लास्ट मैच जो इनका हेड टू हेड का हुआ है वो भी जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने विन किया है। सबसे पहले टीम न्यूज की अगर बात कर लें और टीम के स्टैट्स की, तो देखो यार ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है इस टूर्नामेंट में अभी तक 2 मैचेस खेली है, दोनों मैच जो है लॉस की है। यहां पर अगर आप देखोगे दोनों मैच में वो 200 रन भी नहीं बना पाई है। एक मैच इंडिया के हाथों हारी थी, दूसरा मैच जो है साउथ अफ्रीका के हाथों हारी थी। अपने दोनों मैच में जो है इनके बैटर्स जो है बुरी तरीके से फेल रहे हैं। बॉलिंग में अभी अगर आप देखोगे तो पैट कमिंस हो गए, स्टार्क हो गए, कभी कभी कोई जो है परफॉर्म कर रहा है, हेजलवुड हो गए, कभी कभी कोई परफॉर्म कर रहा है, अदरवाइज जो है इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी जो है नहीं रही है। टीम जो है सबसे वर्ल्ड कप की स्ट्रांग टीम मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, और जो है ये अपने स्टार्टिंग के 2 मैच जो है लॉस कर चुकी है। बाकी अगर आप देखोगे तो भाई टीम की प्लेइंग 11 आप देख लेते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन से बढ़िया प्लेयर्स रहेंगे जो कि अच्छे हैं और इस वेन्यू पे रिकॉर्ड जो है अच्छा उनका है और जो है आपको अच्छी परफॉर्मेंस करके देने वाले हैं। सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करेंगे। देखो प्लेइंग 11 में मुझे नहीं लगता कि चेंजेस होंगे, अगर कोई चेंजेस होंगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। डेविड वार्नर के साथ में मिशेल मार्स आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। वन डाउन पे स्टीवन स्मिथ है, उसके बाद मार्नस लबुशियाने हैं, ग्लेन मैक्सवेल है, जोस इनिंग्स है, मार्कस स्टोनिस है, पैट कमिंस है, मिशेल स्टार्क है, एडम जंपा है और जोस हेजलवुड है। तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम की प्लेइंग 11 है। इनके पास स्पिनर में अगर आप देखोगे एडम जंपा हो गए और ग्लेन मैक्सवेल हो गए, तो 2 जो है इनके पास स्पिनर्स है, तो ये दोनों में लगभग ओवर जो है मिलेगा, मैक्सवेल को ओवर मिलेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लास्ट मैच में 2 विकेट भी इन्होंने निकाला था और टॉप 5 में जो है बैट भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है सीबीसी के लिए, इनके साथ में आप जा सकते हो। अब चलने की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सबसे जो पुअर परफॉर्मेंस है ना वो अभी तक निकल के आई है मिशेल मार्श की, और कमजोर टीमों को अगर मिशेल मार्श पा जाए ना तो भाई वो खा जाता है। बहुत बढ़िया प्लेयर है,
कल मुझे उम्मीद है कि ग्रैंड लीग में ये प्लेयर जो है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला है। दूसरी तरफ स्टीवन स्मिथ, ये जो है बंदा अच्छा है, इस पे आप ट्रस्ट करके सीबीसी जो है इसको कर सकते हो, किसी भी कंडीशन में जो है रन कर सकता है। और यहां पर अगर आप देखोगे डेविड वार्नर ने पहले मैच में 41 रन किया था, दूसरे मैच में 13 रन किया था। इस वेन्यू पे अगर आप देखोगे स्टोनिस का रिकॉर्ड यार बहुत ही अच्छा है, लेकिन T20 में है, रिसेंट परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस वेन्यू पे स्टोनिस डेथ में भी आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे जो है आईपीएल में, भी शायद से यहां पर अगर बॉलिंग करने का मौका मिले तो बॉलिंग काफी अच्छी जो है स्टोनिस करके आपको दे सकते हैं। प्लेयर के स्टैट्स की बात करते हैं और ड्रीम इलेवन जब टीम आपको दिखाएंगे तो उसी टाइम आपको बता देंगे कौन कौन से बढ़िया प्लेयर है। डेविड वार्नर टोटल 22 मैचेस खेले हैं, 779 रन है हेड टू हेड में, वेन्यू पे एक ही मैच है जिसमें 5 रन है। मिशेल मार्श ने 4 मैचेस खेले हैं, 2 विकेट है, 64 रन है। और स्टीवन स्मिथ ने 10 मैचेस में 385 रन किया है। लवुश चने ने 5 मैच में 116 रन, 2 विकेट। ग्लेन मैक्सवेल ने 11 मैचेस में 362 रन और 5 विकेट। तो देख सकते हो ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड काफी औसम है। यहां पर आप इनके जो है वेन्यू पर भी रिकॉर्ड देख सकते हो जो कि इनके लास्ट मैच का ही है, उससे पहले इन्होंने इस वेन्यू पर मैच नहीं खेले थे। स्टोनिस की अगर मैं बात करूं हेड टू हेड में एक ही मैच खेला है जिसमें 44 रन है। 14 मैच जो है मिशेल स्टार्क ने खेले हैं जिसमें लगभग 27 विकेट है। तो आप देख सकते हो हर मैच में लगभग 2 विकेट लेकर जाते हैं। पैट कमिंस ने भी 5 मैच खेले हैं, 10 विकेट निकाले हैं। और एडम जंपा ने 5 मैचेस में 9 विकेट निकाले हैं, जबकि हेजलवुड का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, 7 मैचेस में सिर्फ 5 विकेट है। यहां पर इनके जो है वेन्यू रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो। तो रिकॉर्ड्स की बात हो गई ऑस्ट्रेलिया टीम की, अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका टीम की। श्रीलंका टीम का भी जो है खास कुछ परफॉर्मेंस नहीं रहा है, इनके अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका की टीम ने 400 प्लस रन किए थे, लेकिन इन्होंने भी जवाबी कार्रवाई में जो है 326 रन किए थे, अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई जो है दसुम सनाका जो है यहां पर रूल्ड आउट हो चुके हैं। सबसे बड़ी जो है टीम के लिए घातक न्यूज है कि दसुम सनाका जो है रूल्ड आउट हो चुके हैं, इनकी जगह पे जो है चमिका करुणारत्ने ने जो है इनको रिप्लेस किया है। तो ये काफी सैड न्यूज थी, जो है दसुम सनाका जो है इनके टीम के कैप्टन थे और जो है रूल्ड आउट हो चुके हैं। श्रीलंका टीम की प्लेइंग 11 की अगर बात की जाए, पी निसाका के साथ में कौशल परेरा आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, वन डाउन पे कौशल मेंडिस है, उसके बाद समीरा सदर विक्रमा है, चरता असलंका है, डीडी सिल्वा है, उसके बाद डी हेमंता है, दुनित बेंगीले है, महेश दीक्षाना है, उसके बाद महेश पथिराना है और दिलसान मधुसंका है। तो ये श्रीलंका टीम की प्लेइंग 11 है। अगर इनकी परफॉर्मेंस आप देखोगे, पी निसाका ने लास्ट मैच में 51 किया और कौशल परेरा 0 पे आउट हुए, दोनों मैचेस में बेकार परफॉर्मेंस है, जबकि कौशल मेंडिस ने लास्ट मैच में 122 रन किए, उसके पहले 76, तो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सदीरा समर विक्रमा ने भी जो है 108 रन किए, तो भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर एक एक प्लेयर का आप देख सकते हो, यहां पर सबके प्लेयर्स के हमने जो है लास्ट दो मैचेस की जो है परफॉर्मेंस यहां पर लिखी हुई है जो कि इस सीरीज की है। अब प्लेयर के अगर मैं स्टैट्स की बात करूं, पी निसाका ने हेड टू हेड में 5 मैचेस खेले हैं, 222 रन है, तो डिसेंट सा रिकॉर्ड है। कौशल परेरा 10 मैचेस में 192 रन, तो देख सकते हो उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। कौशल मेंडिस ने 11 मैचेस में 453 रन किए हैं, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। डीडी सिल्वा 10 मैचेस में 273 रन और 10 विकेट भी है, तो ओवरऑल एक ऑलराउंडर वाला इनका परफॉर्मेंस है। बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो बॉलिंग में दुनित बेंगीले ने 5 मैचेस खेले हैं, 9 विकेट निकाले हैं। महेश दीक्षाना ने 5 मैच खेला है, 4 विकेट निकाला है। बाकी मोस्टली प्लेयर्स का आपको जो है रिकॉर्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपनी ड्रीम इलेवन की टीम की। तो देखो जो ड्रीम इलेवन मैंने टीम बनाई है ना, उसमें मैंने यहां पर जो है ये ग्रैंड लीग की टीम है। ग्रैंड लीग की टीम ऐसी आप बना सकते हो कि श्रीलंका को फेवरेट करके अपनी टीम बना सकते हो। कौशल मेंडिस को लिया है और इनको कैप्टनसी दी है, वाइस कैप्टनसी डी मधुसंका को लिया है, दोनों मैचेस में 2-2 विकेट इन्होंने लिया है। और पूरे बॉलर मैंने यहां पर भर भर के लिए हैं और यहां पर टॉप ऑर्डर में मैंने जो अच्छे बैटर थे उनको भी लिया है। ऐसी टीम आप क्रिएट कर सकते हो। बाकी जो स्मॉल लीग की हमारी जो फाइनल टीम होगी, 2 मेंबर और 3 मेंबर की या 4 मेंबर की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। स्मॉल लीग में सीबीसी आपको मैं बता दूं, लवुश चने, डेविड वार्नर, कौशल मेंडिस और सदीरा समर विक्रमा, इनके साथ में आप स्मॉल लीग में सीबीसी जा सकते हो। अगर आप ग्रैंड लीग में जा रहे हो तो इन चार को मस्ट हैव रहेगा, जरूर से ट्राई करिएगा। मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, एडम जंपा और डीडी सिल्वा, इन चारों को आपको ट्राई करना है और ये काफी बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। मुझे लगता है ये चारों धमाल मचाएंगे और ग्रैंड लीग की मैक्सिमम टीम्स में मेरे ये जो है फोकस रहने वाले हैं। ग्रैंड लीग की डिफरेंशियल पिक्स की अगर मैं बात करूं, कौशल परेरा अभी तक फेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। चरता असलंका बैट बॉल दोनों से परफॉर्मेंस करते हैं। दसुम सनाका के नहीं रहने पे मुझे लगता है कि इनको बॉलिंग एक दो ओवर मिल जाए तो ये कमाल कर सकते हैं। मार्कस स्टोनिस इस वेन्यू पे रिकॉर्ड काफी अच्छा है। और कुछ बिल्कुल ही अलग करना चाहते हो तो जोस एनिंग्स को भी आप ट्राई कर सकते हो।
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी गाइज, बैक टू बैक हम मैचेस जो है विन कर रहे हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके रिकॉर्ड देख सकते हो, अभी तक जो है 13-14 जो भी मैचेस हुए हैं उसमें हमने 10 मैचेस जो है ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप किया है, अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया है। तो आप उनके रिकॉर्ड जो है जाके टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। फ्री टीम्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, फ्री गिवे बताए जाते हैं, मैच के अपडेट्स आपको बताए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से टेलीग्राम चैनल आप फॉलो करिए, यहां पर आपको डेली विनिंग्स टीम मिलती है। उम्मीद करते हैं वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। दोस्त अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करिए, मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी साथ में शेयर करिए। चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, रेगुलर वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।